फोर्थ क्लास टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक्स। आज हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन वन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द लॉयन वंस अटैक्ड, लॉयन ने एक बार हमला किया था अ क्रोकोडाइल, एन एलिफेंट, अ बफेलो। तो किस पे हमला किया था? एक हाथी पर। तो हम किसे टिक करेंगे? एलिफेंट। द लॉयन यूज टू बी फेरोशियस, कालम या बोथ। तो शेर पहले हिंसक था, फेरोशियस को टिक करेंगे हम। द लॉयन हैज़ गिवन अप ऑल फूड, वर्क या रोरिंग। तो शेर ने क्या छोड़ दिया है? रोरिंग, दहाड़ना। हु हैज़ गिवन अप ऑल मीट, किसने बिल्कुल मीट खाना छोड़ दिया है? टाइगर, लॉयन या वुल्फ। तो लॉयन ने। तो किसे टिक करेंगे बेटा? लॉयन को। द लॉयन नाउ जस्ट ईट, लॉयन अब क्या खाता है? मैंगोज, कैरेट्स या बनानास। तो क्या खाता है? हम कैरेट्स को टिक करेंगे। गॉड डजंट वांट यू टू बी गुड बैड बोथ, भगवान तुम्हारा बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहते। तो बैड को टिक करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द चिल्ड्रन शुड कम्पीट, सॉरी, पोएट के अनुसार बच्चों को कम्पीट करना चाहिए विद देयर फ्रेंड्स, विद themselves, विद देयर कजन्स। तो किसके साथ? विद themselves को टिक करेंगे हम। नेक्स्ट, विदाउट नॉलेज एनी वन कैन नॉट, बिना नॉलेज के कोई भी क्या नहीं कर सकता? अर्न, लिव या लाफ। तो क्या हम टिक करेंगे? अर्न को। चिल्ड्रन कैन बी स्वीटर बाय, बच्चे और भी अच्छे हो सकते हैं ओबेइंग देयर पेरेंट्स, डिसओबेइंग देयर पेरेंट्स या बोथ। तो ओबेइंग देयर पेरेंट्स को टिक करेंगे हम। नेक्स्ट है, कॉलिंग नेम इज़ रॉन्ग, राइट या बोथ। तो बड़ों को नाम से बुलाना क्या है? रॉन्ग। तो बेटा ये आपकी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट की है। अब इसको आप लर्न करेंगे, नोट करेंगे, लर्न करेंगे। ओके।